घर से निकले तो कुछ हो, घर में बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। बस इसी एक बात की वजह से मैं एक और ऐसे सफर पे निकल पड़ा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे मैं दो दो लैंडस्लाइड झेल के ताबो पहुंचा। न्यू अपडेट इस कि यहाँ पे आईटीबीपी वालों ने गेट बंद कर दिया बिकॉज आगे फिर से लैंडस्लाइड हो गई है। अब इससे अच्छा तो पहले ही फंसे रह जाते। ताबो एक छोटा सा गांव जो कि स्पीति लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर लोगों की माने तो यहाँ की मॉनेस्ट्री दुनिया की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्रीज में से एक है। सो अभी मैं मॉनेस्ट्री के अंदर ही हूँ तो यहाँ पर भी दो मॉनेस्ट्री है। पहली जो पुरानी मॉनेस्ट्री है वो मेरे ठीक सामने है, और जो नई वाली है वो ये है जहाँ पे अभी प्रेयर चल रही है। तो अभी तो शायद बंद होगी, लेकिन देखते हैं, आई ट्राई टू गेट देयर एंड सी। अगर वो खुली है तो विल सी फ्रॉम इनसाइड। सो दिस अ ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड बाई द माउंटेन्स, और बीच में स्तूपा है एंड देन ये मॉनेस्ट्री है। तो अभी मैं ओल्ड मोनेस्ट्री के अंदर हूँ। यहाँ बहुत ही शांति है, अभी कोई है नहीं, वैसे भी सुबह का टाइम है। तो ये एक स्तूपा है जो पीछे है, और प्लस एक सराउंडिंग है बैठने के लिए, बड़ी शांति मिल रही है यहाँ बैठ के। तो सराउंडेड बाय माउंटेंस और बीच में इनकी मोनेस्ट्री है, और यहाँ पे एक आराम से बैठने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा शांति लग रही है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया बैठे हुए, और टाइम का पता ही नहीं लगा। सो अभी उनकी प्रेयर चल रही है। सो बेसिकली जो उधर वाली जो मॉनेस्ट्री है दैट इज़ 100,000 ईयर्स ओल्ड, ये नया बना है। यस, इट हैज़ सम वाइब, शांति वाली फीलिंग आती है। ताबो में रुकने का मन तो था, लेकिन जो सीन कल हुआ उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। ये पूरा एरिया लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, और यहाँ से जितना जल्दी निकल सके उतना बेहतर है। तो बस यही सोच के यहाँ से निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। और बस कुछ ही देर में हम पहुंच गए धनकर। सो फाइनली हम लोग धनकर मॉनेस्ट्री पहुंच गए। ये जो मेरे पीछे मॉनेस्ट्री है पहाड़ में, वो धनकर मॉनेस्ट्री है। बेसिकली ये पहले किला भी था और मॉनेस्ट्री भी है। तो ये पहली मॉनेस्ट्री है जो कि किले में कन्वर्ट हो गई थी पहले। और इसके पीछे पिन वैली है, और हम स्पीति वैली में, और वहाँ से पिन रिवर और स्पीति रिवर का संगम होता है। सो दिस इज़ रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतनी अच्छी जगह है ना, कुछ वर्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं। कल तो ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ आके एकदम अमेजिंग सी फील है। पीसफुल तो पूरा स्पीति है यहाँ पे, और भी शांति है, एकदम मस्त पहाड़ है बड़े बड़े मिट्टी के। और यहाँ यही है सीन, अभी शायद अंदर जाएंगे और उसके बाद बस यहाँ से निकलते हैं। धनकर मॉनेस्ट्री करीब 1000 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है, और इसको धनकर गोम्पा भी बोला जाता है। गोम्पा यानी कि वो जगह जहाँ पर तिब्बतियन लोग पूजा करते हैं। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। देखा जाए तो इस मॉनेस्ट्री के आसपास का सीन एकदम जबरदस्त है। नीचे स्पीति रिवर बह रही है, और दूसरी तरफ ये मिट्टी के पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर कमाल लग रहे हैं।
बस फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद और थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद हम फिर रुक गए, क्योंकि यहाँ के सीन एक दम कमाल है। ये खुला मैदान, नदियाँ और ये अजीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर, वाह क्या बात है। और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर बाद हम काजा पहुंच गए। तो काजा का सीन ये है कि काजा का शहर जो है वो नीचे बसा हुआ है और ऊपर लांगजा कॉमिक किम, जो कि काजा की मेन अट्रैक्शन है, वहाँ है। सो वी आर एट लांगजा। ये बुद्धा स्तूपा है, आई मीन बहुत 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 ज़्यादा जायंट और बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ के, आई मीन एकदम ये जो क्लिफ है उसके एंड पे है और चारों ओर पूरा पूरे माउंटेन से सारी तरफ, उधर छोटा सा गांव है और पीछे एक स्नो कैप्ड माउंटेन है। इट लुक्स सो 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 अमेजिंग, ओ माय गॉड। मतलब इतनी खुशी मुझे भी पिछले 3-4 दिनों में नहीं हुई जितनी आज इस पॉइंट पे हो रही है। आपने जब भी इंटरनेट पे स्पीति सर्च किया होगा तो वहाँ ये इमेज जरूर दिखी होगी। ये एक मेडिटेशन करते हुए बुद्धा का स्टैचू है और अगर इसको पीछे से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है बुद्धा जी वैली की तरफ देखते हुए मेडिटेशन कर रहे हैं। अभी हम बाहर थे, शूट कर रहे थे, एकदम बारिश आ गया। चलो अंदर चलो, भागो भागो भागो। कब से यहाँ पे? ये पाँच छः साल हो गए। तो इधर बर्फ भी गिरता है ना? बर्फ भी गिरता है ना? थोड़ा थोड़ा गिरता है। बहुत अच्छी जगह है ये। और लांगजा से निकलने का टाइम आ गया, सो इट वॉज अ फैंटास्टिक प्लेस। सो नेक्स्ट स्टॉप इज कॉमिक, द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। मेरी सांस भी फूल रही है क्योंकि ये काफ़ी एल्टीट्यूड पे है, आई थिंक नियरली अबाउट 12,000 feet। सो आई कीप यू पोस्टेड। लांगजा में थोड़ा समय बिताने के बाद हम पहुंच गए वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज। जी हाँ, कॉमिक विलेज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। सो कॉमिक पहुंच गए, दिस इज द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। जी हाँ, मतलब कि सबसे ऊंचा गांव दुनिया का। सो यहाँ की जो पॉपुलेशन है इट इज़ समवेयर नियर अबाउट 114। और हाँ, बस यही है, यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है पीछे और नीचे 2-4 घर हैं, यहाँ की यही सीन है। सो बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इतने हाइट पे है और आई मीन अभी मौसम भी एकदम बढ़िया हो रखा है, घटा घटा और नीचे इसके नीचे हिक्की में। चलो चलो। और इसके बाद हमारा जो आज का आखिरी स्टॉप था वो था हिक्किम। हिक्किम इज फेमस फॉर वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। यही नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन भी यही है। सो वी हैव रीच्ड हिक्किम। मेरे पीछे जो पोस्ट ऑफिस है वही वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। पहले नीचे हुआ करता था लेकिन अभी ऊपर शिफ्ट हो गया, ये एक लेटर बॉक्स की शेप का है। थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। वी हैव लेफ्ट फ्रॉम हिक्किम, अभी नीचे काजा में जा रहे हैं और आई थिंक दिस द एंड ऑफ दिस डे। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम धनकर मोनेस्ट्री टिल दिस हिक्किम पॉइंट। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट एंड keep you posted.